हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैंने किचन का कुछ सामान ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो यहाँ पर डिलीवरी मैन आया था, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ सामान। और जब मैं ऑनलाइन सामान ऑर्डर करती हूँ ना किचन का, तो मैं ज़रूर गिनती हूँ, काउंट करती हूँ कि जितना सामान मैंने ऑर्डर किया था उतना है कि नहीं है। वैसे कभी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कभी मिस हुआ हो कोई सामान, और एक्सपायरी डेट का भी नहीं आता, और जो है काफ़ी अच्छा सामान आता है। और इसीलिए मैं काउंट करती हूँ, मेरी हैबिट में है कि काउंट करके ही मैं सामान लेती हूँ। ये मैंने किचन का सामान मंगवाया था ऑनलाइन, और जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं ना, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी ही होती है सामान वगैरह, किचन का सामान, ये दाल चावल वगैरह ये सामान लेने में, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हमारे यहाँ आसपास जितनी भी शॉप है ना, तो मतलब सामान अच्छा मिलता ही नहीं है यहाँ पर। मतलब एक बार तो क्या हुआ था कि किसी शॉप में, यहीं पर हमारे घर के पास ही है, तो यहाँ पर जो मैं सामान लेने के लिए गई ना, तो क्या था कि वहाँ पर ना एक्सपायरी डेट का भी सामान रखा हुआ था, तो इसीलिए ट्रस्ट सा उछाता है। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ आसपास की शॉप से मैं सामान लेती नहीं हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ। और ऑनलाइन से ये है कि फ़ायदा कि क्या कहते हैं कि अपना जो है सीधे ऑर्डर कर दो, और घर पर आ जाओ, मतलब बाहर जाने का भी कोई झंझट नहीं, तो फिर ये उसका सामान भी अच्छा आता है, सामान बेकार आता है, सामान भी अच्छा आता है। तो अब तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, हर छोटी चीज़ भी ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। वो अलग बात है कि इमरजेंसी में कहीं पास की शॉप पे जाना पड़ जाए, लाना पड़ जाए कोई सामान, तो गाइस हो गया मेरे लिए काम, और मुझे भरना है सारा सामान, जहाँ पे रखना है वहाँ पर सेट करके रखूंगी मैं। जब किचन का नया सामान आता है ना, तो काफ़ी सारा मतलब पूरी किचन ही फैल जाती है, क्योंकि काफ़ी डब्बे वगैरह रखने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, और उसमें बड़ा सोच सोच के सामान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बादाम भर रही थी, तो मेरा बेटा भी पास में खड़ा था, तो वो पैकेट में से निकाल के खाने लग गया। वैसे ये जो है, मैं बादाम कांच की डब्बे में ही रखती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि मॉइस्चर नहीं जाता इसमें और सीलते नहीं है, तो मैं कांच के डब्बे में ही बादाम वगैरह रखती हूँ। और यहाँ पर मैं जो बाकी बादाम जितने आ गए डब्बे में, मैंने उतने रख दिए, बाकी जो बादाम थे ना, वो मैंने एक डब्बा बनाया हुआ है कि अगर कोई भी सामान बच जाता है, तो वो मैं उसी डब्बे में रखती हूँ, बड़ा सा डब्बा बनाया हुआ है, तो कोई भी सामान अगर आता है डब्बे में भर देती हूँ, बाकी जो बच जाता है उस बड़े डब्बे में ही रख देती हूँ, तो इससे ईजी रहता है। जो डब्बे खाली होते रहते हैं, तो वहाँ से निकाल के उसमें भर देते हैं। और ये जो डब्बा देख रहे हैं ना आप, ये मैंने नमकीन बिस्किट वगैरह का बनाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा डब्बा है, क्योंकि मैं जब अपनी दीदी के यहाँ गई थी ना, उनके दीदी के घर गई थी, तो उसके यहाँ काफ़ी सारे डब्बे थे, तो मुझे काफ़ी पसंद आया है ये उस, तो फिर उसने ना मुझे एक डब्बा दे दिया, तो काफ़ी मतलब इसमें इसका ये इसमें नमकीन बिस्किट रखने का ये बेनिफिट है कि इसमें जो है कोई खुला हुआ पैकेट भी नमकीन का रख देंगे ना बिस्किट का, तो इसमें मॉइस्चर नहीं जाता, सीलते नहीं है, एज इट इज ही रहते हैं, तो इससे नमकीन बिस्किट रखने का ये फ़ायदा होता है। तो काफ़ी अच्छा डब्बा है ये, और ये है स्टील का डब्बा, जिसमें कि जो हल्दी वगैरह के जो पैकेट वगैरह होते हैं ना, जीरे हल्दी के पैकेट मैं एडवांस में ला के रखती हूँ, ताकि अचानक कभी ख़त्म हो जाए तो मार्केट ना जाना पड़े, तो हमेशा एडवांस में ज़रूर मैं ला के रखती हूँ घर में। तो जो भी हल्दी और जीरे वगैरह जो भी जिसका भी पैकेट होता है, मैं इसी स्टील के डब्बे में रखती हूँ, और ईज़िली मिल जाते हैं।
और यहाँ पर मैंने गरम मसाला डिब्बे में भरने के बाद जितना गरम मसाला बच गया था पैकेट में, तो उसके बाद मैं लगा रही हूँ इसमें टेप, ताकि इसमें मॉइस्चर ना जाए। और टेप लगाने के बाद ही मैं फ्रिज में रखती हूँ, और इससे जो है एज इट इज़ ही रहता है, काफ़ी मतलब फ्रेश रहता है गरम मसाला, उसमें मॉइस्चर नहीं जाता है। ये वाला जो लाइटर है ना, मुझे पसंद आ गया था, इसकी जो शेप है ना हार्ट की, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। और वैसे तो ये लाइटर मेरे को सही चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये पसंद आया तो मैंने ऑर्डर ही कर दिया एडवांस में। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, और ये है फैन पंखा, जो कि पर्स में रख लो कहीं भी, जैसे गर्मी वगैरह में कहीं जा रहे हो ना, जैसे गर्मी वगैरह में कहीं जा रहे हो और पर्स में रख लो इजीली, ये कैरी भी कर सकते हैं ऐसे, और इसे इस तरीके से फैला के बड़ी बड़ी अच्छी हवा देता है, बहुत ही अच्छी हवा देता है, बहुत तेज हवा देता है ये। तो मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई थी, एक लाइट थी अपने लिए, ताकि पर्स में हमेशा रखा रहता है ये, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं बाहर तो गर्मी वगैरह लगती है, तो तुरंत निकाल के हवा कर लो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम, और यहाँ पर मैं मार्केट जा रही थी दूध लेने के लिए, तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही थी मार्केट जाने के लिए, और अपने बेटे की यूनिफॉर्म भी रख रही थी, क्योंकि दोपहर में वो आया था, यूनिफॉर्म वो रख देता है काफ़ी अच्छे तरीके से रख देता है, अब तो वो मैंने सिखाया था उसे तो रख देता है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता, हाथ तो मेरा भी नहीं पहुंचता, क्योंकि काफ़ी लंबी सेफ है वो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रात को बनाई थी घीए की सब्ज़ी, बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बनाई थी हींग जीरे में, और कभी कभी मन करता है कि बहुत ही सिंपल सादा सब्ज़ी खाओ। और यहाँ पर डिनर करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं कर रही हूँ किचन को क्लीन, और क्लीन करने के बाद जो है ये देख रहे हो आप, टाइल भी सारी गंदी हो जाती है, जब भी खाना वगैरह हम कितने भी अच्छे तरीके से बनाएंगे ना, सब्ज़ी वगैरह तो छींटे पड़ती हैं। तो गाइस, यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए ब्लॉग के साथ, टेक केयर, बाय बाय।